वीरवार को स्थानीय विश्राम गृह में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार के विरुद्ध निर्माण कार्य में कोताही की जांच विजिलेंस के पास चल रही है, ऐसे ठेकेदार को कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार का कार्य तय मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए जाने पर उसका भुगतान रोकने सहित उसे ब्लैकलिस्ट करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने सहित इनकी गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता न करने पर बल दिया। आज हमने लोक निर्माण विभाग के एससी साहबान और उनके जो दूसरे ऑफिस साहबान की एक बैठक रखी है और जो हमारा वर्किंग प्रोग्राम है साल का, उसके बारे में जो है वो पूरी की पूरी जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त की है कि जो हमारी सड़कों का रख रखाव है वो अच्छा होना चाहिए और जो जो इस बार की साल की एलोकेशंस हैं और उनका वर्किंग पीरियड जो है उसको आपने मॉनिटर करके जो है वो पूरा अपना शेड्यूल 3-3 महीने का शेड्यूल बनाना है, जिसमें आजकल मौसम साफ है, ब्लाइट टॉपिंग वगैरह जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर सड़कों को करने चाहिए। और इसके साथ साथ विभाग को ये भी आदेश दिया गया है कि सड़कों की गुणवत्ता जो है ये हमारी प्राथमिकता है। मैंने देखा कि बहुत से हमारे ठेकेदार जो है वो काम लेते हैं, लेकिन या तो वो काम में डिले करते हैं, अगर डिले नहीं करते तो वो जल्दबाजी में काम करते हैं और उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको वो पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं करते। इससे क्या होता है कि सड़कों के कुछ ब्लैक टॉपिंग है, जो उनका काम है वो एक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी ठेकेदार जो भी काम लेता है, जैसे कि सरकार ने फैसला किया है एक ठेकेदार को 2 से ज़्यादा काम नहीं देना, अगर कोई काम लेता भी है तो उसको टाइम बाउंड करना है कि आपको इतने टाइम के अंदर इसका रख रखाव और इसकी ब्लैक टॉपिंग वगैरह करनी है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी ठेकेदार जिसके वर्कलाइफ कोई बिजली से इंक्वायरियाँ चली हैं, कोई सरकार की तरफ से कोई जो है उसके किए हुए काम की गुणवत्ता को पहचानते हुए कोई उसके ऊपर सरकार ने कोई जो है वो विजिलेंस इंक्वायरी या दूसरी इंक्वायरी शुरू की है, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है। और जो ठीक काम करने वाले हैं उनको जो है वो सरकार और हमारी सरकारी जो हमारे अफसर साहबान हैं उनको इंटरटेन करें ताकि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए। हमारी सड़कें जो है उनकी गुणवत्ता ठीक होगी तो सड़क जो है वो डॉक्टर वाइस परमार कहते थे कि भारत की हमारे हिमाचल प्रदेश की तरक्की की लकीरें, अगर सड़क अच्छी है, आना जाना ठीक है, वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार वहाँ गाड़ी पहुँचती है। सिटी चैनल के लिए ज्वाली कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।